यज्ञ का पहला विधान यह है कि किसी को शत्रु नहीं माना जाता, तभी यज्ञ फलीभूत होता है। अजात शत्रवः, किसी को शत्रु नहीं मानना, द्वेष मत करना, घृणा नहीं रखी जाएगी, आलस्य नहीं हो सकता। यज्ञ फलीभूत तब होगा जब आप शत्रुता मिटाएं। अभी शत्रुता कब मिटती है? परदोष दर्शन का अभाव। किसी में दोष मत देखिए, बहुत दोष देखोगे जब दूसरे में, तो वो दोष आप में आते जाएंगे, वो वृत्ति आपकी बन जाएगी। उसके दोष तो उसमें है ही, पर उसकी भावना आप में बैठी है, आपने वही ग्रहण कर लिया है, और एक आप में आपके अंतःकरण में दुर्गुण संचय की भावना बनती जाएगी। हम जिसे शत्रु मानते हैं, जिसके प्रति हम ग्लानी और घृणा रखते हैं, पता नहीं वो कितना शत्रु है राम जाने, पर वो शत्रुता हमें कितना दुखी करती है। घृणा से किसी दूसरे का तो कभी अनर्थ नहीं होता, हमारा अंतःकरण दूषित प्रदूषित संक्रमित होता है, सच तो वहां इन्फेक्शन हो जाता है। घृणा से बड़ा तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, जेलसी तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, असूया ईर्ष्या से बड़ा कोई इन्फेक्शन हो सकता है? बहुत बड़ी हानि है कि आपके अंतःकरण में ईर्ष्या बनी रहे, द्वेष बना रहे, घृणा बनी रहे, और इससे क्या होता है? हिंसक भाव आता है, दूसरे का अहित करने का मन बनता है कि इनका अहित कर दो, आप हिंसक बन जाते हैं।